हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत नहीं आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी हमारी प्यारी और चहेती बड़ा पाव दीदी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मुझे किस तरीके से ट्रीट करा जा रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बस पहुंचने में लेट हुई हूँ मैं वहाँ। दीदी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है लेकिन लड़ने में दिक्कत नहीं आ रही, क्यों ना दीदी? सही कहा ना मैंने? दीदी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तब इतना चिल्ला रही है, और जब सांस लेने में दिक्कत नहीं आती तब इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतना अमीर हो गई मैं। Oh my God. अब्बा जी, आपकी बेटी इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई। दीदी तो झूठी निकली यार लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, दीदी के पास टैलेंट तो बहुत है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब आप पूछोगे कौन सा, तो लड़ने का टैलेंट देखो ना ये जिस हिसाब से दीदी लड़ रही है ना, मुझे तो लगता है WWF में जा सकती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये तो हाँ पता है मुझे। अच्छा, यहाँ पे दीदी ने अपनी चुन्नी खुद ही गिरा पे अंटी पे चढ़ गई, और अंटी का रिएक्शन तो देखो कुछ सेकंड के लिए अंटी एकदम ये क्या हो? तेरा तो गेम बजाना। देखो मेरी चुन्नी खींच रही है, समझ रहे हैं ना आप लोग? चाह रही है कि मतलब वहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक इन द सेंस वहाँ पे मेंस है, मैन विल बी मैन, पर दीदी को ये नहीं पता कि लोगों को पता चल गया है दीदी का तो ये कंटेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लड़ाई झगड़ा, तो मुझे ये नहीं समझ आता कौन ऐसे चूतिया लोग है जो इसके पास जाते हैं वड़ा पाव खाने के लिए। बात तो सही है। अच्छा, लड़की बेच रही है लड़की। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पर शादीशुदा है। अच्छा, कोई भी चलेगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो आजकल जब भी मैं YouTube खोलती हूँ कि हर एक दूसरे वीडियो पे ये पापा वाली दीदी आ जाती है और इनके चूतिया पे कारनामे दिखते हैं। रोड पे ना कुत्ता नहीं भोग। क्या बात है दीदी, पहले यहाँ पे कुत्ता भी नहीं भोगता था, अब यहाँ पे दीदी पूरे दिन भोगती है। लोगों में घमंड होता है गाड़ी का, पैसे का, बंगलों का, लेकिन इनको किस चीज की घमंड? लेकिन दीदी ने अच्छी खासी सड़क पे ठरकी लौंडों और आदमियों की भीड़ लगा दी है, और भीड़ इतनी लगा दी है कि आपस में हाथापाई हो जा रही है। वाह, क्या सीन है। अरे मारो आंटी मारो, आज इसकी खोपड़ी फोड़ दो आप। ये मार, मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। क्या दीदी, इससे अच्छा तो तब था जब यहाँ पे कुत्ता भी नहीं बोलते, कम से कम आसपास वाले लोग अपनी जिंदगी चैन से जी तो रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये 20 रुपए वाला वड़ा पाव लोग 50 रुपए में खा क्यों रहे हैं? अच्छा, तो कहीं ये तो नहीं है सुंदर औरत बेच रही इसीलिए सब लोग यहाँ वड़ा पाव खाने आ रहे हैं? अच्छा, तो 20 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए में खा रहे हैं, यानी कि टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो ये अनोखा टेस्ट दीदी के वड़ा पाव में आ कहाँ से रहा है? टेस्ट यहाँ है। तो चलिए इसी पे मैं प्यारी से शायरी अर्ज करती हूँ, वाह वाह बोला, ठीक है? ठीक है। जो लोग अच्छे वक्त में भाव खाते हैं, जो लोग अच्छे वक्त में भाव खाते हैं, ठीक है, वो लोग बुरे वक्त में वड़ा पाव खाते हैं। चंद्रिका जी, ये आपका वड़ा पाव का ठेला नहीं है जहाँ आप हक कर साफ भी ना करें। नो 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 नो, बिग बॉस ने भी क्या बेइज्जती की है बेचारी, कैसे बन गया। सेलिब्रिटी को देखने के लिए 29 रुपए का रिचार्ज कराया था, रिचार्ज कराने के बाद पता चल रहा है इस बार सेलिब्रिटी नहीं आ रहे, छपरी आ रहे, और कुछ तो इतने बड़े वाले छपरी हैं कि जब देखो तो अपने बेटे का रोना रोती रहती हैं कि मैंने अपना जॉब क्विट किया क्योंकि मेरे अपने बच्चों की पढ़ाना था, फिर मैंने ठेला स्टार्ट किया, 10,000 रुपए मेरे पास था। चल छुट्टी, दिन का 40 कमा रही है ना? दिन का 40,000?
और एक तरफ दीदी ये बोलती है कि मेरा पर डे का 40,000 रुपए यानी कि 4×12 महीने के 12 लाख रुपए कमाती है। तो अब इनको 12 लाख रुपए कम पड़ रहा है अपने बच्चे की परवरिश के लिए। इतना ज्यादा रोती है कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है ये वो, मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगी, मेरा बच्चा सबसे पहले। बाबा जी आपकी बेटी इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई। अब दीदी क्या, बिग बॉस में तो आप चले गए, अब आपका बच्चा कौन देख रहा है। ऊपर से वहाँ पे जाके बोलती है, पापा आपकी बेटी इतनी अमीर हो गई है कि बिग बॉस में आई है। अब दीदी आपको ये कौन बताएगा कि बिग बॉस में अमीर नहीं जाते, सेलिब्रिटी जाते हैं। खैर इस बार छपरी चले गए। एक कन्या पे डाउटवा मन करता है छोड़वा, एक कन्या पे डाउटवा। लेकिन एक बात तो है, पैसे में पावर तो है। देख रहे हैं ना आप दीदी का असली रूप, ऐसे दीदी पैप्स बन के घूम रही है। गर्ल्स की इज्जत है, गर्ल्स के एक गलत जो रिव्यू है उसके लिए मैं नॉमिनेट करना चाहती हूँ। पलटू राम सुना है? पलटू राम, तो ये है हमारी पलटू राम। मेरे अगर कोई भी शब्द तुझे बुरे लगे दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। चंद्रिका जवाब टॉयलेट जाती है तो अपने बेसन को फ्लश कर दिया करें, पूरे टॉयलेट में आपका बेसन बिखरा हुआ है। लेकिन चंद्रिका जी के ना सही मजे ने बिग बॉस ने लिए है। दीदी का मुंह देखने लायक है। आ दीदी क्या क्या सुनना पड़ रहा है। पूरे टॉयलेट में आपका बेसन बिखरा हुआ है ना, बेसन भी वहीं पे छोड़ के आ रही है आप। बेसन तो कम से कम फ्लश कर दीजिए। कम से कम नेशनल टेलीविजन शो में गई है आप, कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाइए। आप क्या कर रही है वहाँ पे, कैसे खेल रही है? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फोटो लेते गुस्सा नहीं। एक तरफ आप कह रही हैं कि शिवानी की बड़ी बहन है, पर बड़ी बहन वाले तो कोई गुड़ नहीं है जिस हिसाब से आप बेसन छोड़ के आ रही है टॉयलेट में। कितने लोगों को लगता है कि चंद्रिका ने अरमान और विशाल के टॉपिक पे खुद का मुद्दा बनाने की कोशिश की है? कितने लोगों को लगता है? दीदी बिग बॉस में तो चली गई है, अब दीदी के पास कोई लड़ने का मुद्दा तो होता नहीं है, तो दीदी दूसरे के टॉपिक को बढ़ा चढ़ा के उसमें अपनी टांग घुसेड़ के लड़ाई करती है। ये है वड़ा पाव, बिना हाथ पैर के कौन बात करता है, वन एंड ओनली हमारी और आपकी बहुत ही चहेती वड़ा पाव दीदी। नहीं यार जो है वो है, लड़की के बारे में कमेंट करा उसने तो करा। तकलीफ हुई थी आज रिश्ते टूटने की बहुत ज्यादा। तकलीफ तो हमें भी आपसे, पर हमने कुछ बोला आपसे नहीं ना? नॉमिनेशन का कारण बस वही गर्ल्स की इज्जत है। और ये बोल क्या रही है दीदी, गर्ल्स की रिस्पेक्ट, वो भी ये जो कि खुद लड़ती भिड़ती रहती। एक औरत हो के औरत से ही, क्या दीदी वाह वाह दीदी वाह। खुद का कोई बता क्यों नहीं है, आपका वजूद क्या है? दीदी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि बिना लॉजिक और बिना आईक्यू लेवल की कुछ भी बातें करती है, और इसमें अपने वड़ा पाव की तरह ही नमक मसाला मिर्ची लगा के छीछा लेदर मचा देती है। लेकिन एक चीज तो कहनी चाहूंगी मैं, आप में एक खासियत है, आप ना घर के अंदर ना आपके पास कोई कंटेंट नहीं था, लेकिन घर के बाहर आपके पास वाकई में बहुत कंटेंट है जो चल भी रहे। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, अभी इतनी अमीर हो गई मैं। आप जाइए और अपना 12 लाख का पैकेज उठाइए। पैसा ही पैसा होगा। अभी मैं फिर पूछ रहा हूँ, आपको घुटन हो रही है? नहीं सर, छोड़ना घर? नहीं सर, मैं अपने आप में खुश हूँ। अगर सच बोलने में मैं आउट होती तो ठीक है, मैं आउट हो जाती हूँ, इसीलिए बिग बॉस वालों ने भी दीदी को हमेशा हमेशा के लिए घर के बाहर फेंक दिया। कचरा यार, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। वैसे दीदी का असली कंटेंट तो घर के बाहर था। बात तो सही है। यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा पता चल रहा है कि दीदी यहाँ पे पिकनिक मनाने आई है। गजब बेइज्जती है। हे गाइस, सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।